दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानवरों के कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स लेकर आया हूँ जिसमें एक जानवर दूसरे जानवरों की बैंड बजाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा। दोस्तों, जहाँ दूसरे शिकारियों को पानी में जाने से डर लगता है, वहीं जैगुआर पानी में तैरने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर पानी के अंदर डुबकी भी लगा देता है। जैसे कि इस क्लिप में एक जैगुआर अपने शिकार की तलाश में नदी किनारे भटक रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पानी में मौजूद कैमन पर पड़ जाती है, जो मगरमच्छ की तरह ही खतरनाक होता है। पर यहाँ जैगुआर अपने भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है और पानी में तैरते हुए दबे पांव उसके पास पहुँच जाता है। वहीं कैमन इस बात से अनजान धूप सेक रहा होता है और अचानक जैगुआर अपनी पूरी ताकत के साथ कैमन पर टूट पड़ता है। अचानक हुए इस हमले से कैमन घबराकर भागने की तो कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत भी लगा देता है, लेकिन जिस शिकार के लिए जैगुआर इतने दूर से आया था, भला उसे वह कैसे जाने दे सकता था। यहाँ जैगुआर बुरी तरह से कैमन को अपने शिकंजे में ले लेता है और कैमन अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी आखिर में जैगुआर का शिकार बन जाता है। इस क्लिप में एक हाइना बड़े आराम से बैठकर पानी पी रहा होता है, पर तभी पीछे से एक जैकाल आता है जो हाइना को बेवजह परेशान करने लगता है, लेकिन इस पर ध्यान ना देते हुए हाइना वहां से चुपचाप जाने लगता है। पर यहाँ जयकाल तब भी हाइना का पीछा करता हुआ उसके पास चला जाता है और हाइना को फिर से परेशान करने लगता है। पर यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हाइना जवाबी हमला नहीं करता और वहाँ से डरकर उल्टा भाग जाता है। अब इस क्लिप पर नज़र डालिए जहाँ एक जैगुआर के शिकंजे में एक एनाकोंडा बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन यहाँ एनाकोंडा भी कुछ कम नहीं है और अपनी जवाबी हमले से जैगुआर को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है और इस तरह से दोनों के बीच कड़ी टक्कर की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ बार बार जैगुआर अपने जबड़े से एनाकोंडा को पकड़ने के कोशिशों में लगा हुआ है और एनाकोंडा भी उस पर हमला करके बार बार बच रहा होता है, लेकिन जल्द ही एनाकोंडा को यह बात समझ में आ जाती है कि वह ज़्यादा देर तक जैगुआर के सामने टिक नहीं सकता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जैगुआर मौका मिलते ही एनाकोंडा को धर दबोचता है और देखते ही देखते उसे पानी के बाहर ला लेता है। दोस्तों, जंगली कुत्ते झुंड में होने के कारण काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं और इसी वजह से ये शेर को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं और उसी तरह से यहाँ भी एक वाइल्ड डॉग का झुंड मगरमच्छों का शिकार करने के कोशिशों में लगा होता है, पर इनके अंदर मगरमच्छों का डर इतना ज़्यादा होता है कि ये कई बार कोशिशों के बाद भी मगरमच्छों पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और कुछ देर तक ऐसे ही मटकने के बाद वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अब यहाँ ये गाय नदी से पानी पीकर जा रही होती हैं, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी ये कल्पना भी नहीं किए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।